हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आर्कियोग्राफी क्रिएशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल शर्ट डिज़ाइन करना सिखा रही हूँ फॉर बिगनर्स। अगर आप इस चैनल पे नए आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। आज की ये वीडियो मैं दो पार्ट में बनाने वाली हूँ। आज जो मैं बनाना सिखाऊंगी आपको, एक शर्ट का बैकग्राउंड बनाना सिखाऊंगी फर्स्ट पार्ट में, और जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको पैनल, नेक लाइन और बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी। कंप्लीट शर्ट कैसे होती है सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी। तो चलो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपने आना है फाइल पे। फाइल पे आने के बाद आपने इसकी जो विड्थ है 42 ले लेनी है अपनी जो शर्ट की है, और इसकी जो हाइट है वो 45 ले लेनी है, रेजोल्यूशन 150, और CM1 के कलर इसे ओके कर देंगे। ठीक है, इसे ओके करने के बाद ये हमारा एक पेज ओपन हो गया। उसके बाद आपने ये स्केल्स ले लेने हैं जो कि कंट्रोल आर से आएंगे। अगर आपके मेरे तो पहले से शो हो रही है, अगर आपके शो ना हो रहे हो तो आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो आपको ये शो होंगी। तो आपने अपने पेज को जूम कर लेना है। आपने अपने पेज को जूम कर लेना है। उसके बाद आपने आपने इस शर्ट का हाफ कर लेना है। जैसे कि मेरी 42 इसकी विड्थ थी, तो 21 इसकी मिड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमने इसकी नेक लाइन लेनी है वो लेनी है इस साइड से 3, जैसे कि 1, 2 और 3, ये हमारी टोटल जो नेक लाइन होती है वो 6 होती है। तो हम 3 इस साइड से लेंगे और 3 इस लाइन से लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 बन जाएगा। ठीक है, 3 इधर से और 3 इधर से। उसके बाद हमने जो लेना है ऊपर से, जो हमने लेंगे ऊपर से जो इसकी हाइट होगी वो हो जाएगी 6। ठीक है, ये वो पार्ट है जो जिसने कट हो जाना है। जब हमारी नेक लाइन बनेगी तो ये उस पार्ट में कट हो जाएगा। तो इसलिए हमने अपना जब भी डिज़ाइन बनाना है ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ उसमें कट हो जाएगी, तो उस तरह से हमने अपना डिज़ाइन कट करना है कि हमारी जो नेक लाइन है वो ख़राब ना हो। इसके बाद आपने, मैं आपको इसमें कलर करके दिखा देती, जो ये वाला कट पार्ट हो जाना है कंट्रोल बैक स्पेस, ये कलर हो गया। अब आपने ले लेना है यहाँ से शोल्डर भी 3 ही इधर से आएगा और 3 उधर से आएगा, टोटल हो जाएगा 6। ठीक है, 1, 2, 3। इसके बाद यहाँ से भी 1, 2 और 3। ठीक है, ये हमारा हो गया शोल्डर। उसके बाद आपने जो इसका, हमने जो इसकी नेक लाइन है वो कहाँ तक जाएगी वो हमने रखनी है 12। ठीक है, हम वो रखेंगे 12। मैं इसको थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो 12 करने के लिए ऊपर से हमने जो 6 रखा था, फिर जो उसके नीचे आ जाएगा 12, टोटल ये बन जाएगा 18। ठीक है, ऐसे आपको जूम आउट करके दिखाती हूँ, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने जो हमारा मैक्सिमम बॉर्डर हो, मतलब कि बॉर्डर जो स्टार्ट होगा वो 1/2 इंच से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से, और उसके बाद जो ये बॉर्डर ऊपर तक जाएगा मैक्सिमम होगा 30, मतलब कि आपने नीचे से काउंट करना है 30 तक। तो ये आ गया 30, ये देखिए यहाँ से। ये हमारा जो मेजरमेंट हमने कर ली अपनी पूरी एक शर्ट की। अब इसके आगे हम अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आप करना है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारी सारी मेजरमेंट होगी, और अगर आपने पैनल बनाने हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो इसका ये पेज है इसको अनलॉक कर लूँगी। यहाँ से आपने डबल क्लिक करना है और इसे अनलॉक कर लेना है। ठीक है,
इसको अनलॉक करने के बाद आपने इसके बैकग्राउंड में कलर दे देना है जो आप चाहते हैं कि आपके इस शर्ट को आप कलर देना चाहती हैं वो आप कलर दे सकती हैं। तो मैं यहाँ से ये लाइट से सिलेक्ट कर लेती हूँ कलर। इसके बाद ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक है, ये हमारा कलर आ गया बैक पे। अब हमने इसके बैकग्राउंड पे टेक्सचर क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपने जो भी डिज़ाइन अपने सेलेक्ट किए हुए हैं वो आप लेंगे। ये मैंने डिज़ाइन सेव करके रखे हुए हैं। तो जैसे कि मेरी थीम है, आप जब भी डिज़ाइन बनाते हैं एक आपने रिसर्च की होती है उसकी थीम पे, तो जो भी आपकी थीम है, जिस भी आपकी थीम पे बनाना है उस पे आप अपना शर्ट का डिज़ाइन बनाएंगे। तो मेरी जो थीम है वो है ट्रीज, तो ट्रीज के जो टेक्सचर है मैं वो लूँगी। तो ये वाला, जैसे कि ये वाला है, इसको मैं ले आती हूँ और मुझे इसका ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगुलर टूल और उसके बाद आप इसको ड्रैग करके ड्रैग कर लेंगे, ऐसे ड्रैग करने के बाद आप इसे ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे और इसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद आपने इसको शिफ्ट प्रेस करके इसके साइज को लार्ज कर लेना है, ऐसे, ठीक है। इसके बाद मैं इसको इंटर कर दूंगी। इंटर करने के बाद आप इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे। अब अपनी मर्जी से इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। और ये जो नॉर्मल, फिर आपने नॉर्मल पे आना है, ये रहा साथ ही ऑप्शन होगा इसके नॉर्मल, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो इसकी लास्ट वाली ऑप्शन होगी इससे आप ओके कर दें। और मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देती हूँ ताकि लाइट सा टेक्चर हमें बैकग्राउंड पे नज़र आए। उसके बाद मैं एक और इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ जिसकी ये टेक्सचर वाली, आप इन टेक्सचर से जो जितने भी आप टेक्सचर देना चाह रहे हैं इससे आप अपना पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। इसको भी मैंने वैसे ही कट किया रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट करके, शिफ्ट प्रेस करके साइज को लार्ज किया और इसके बाद इंटर कर दिया। इसकी जो ओपेसिटी है इसको मैंने कम कर दिया और इसको मैंने कर दिया यहाँ से डिफरेंस, नॉर्मल पे आके आपने कर देना है डिफरेंस, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद इसको अरेजर टूल को सिलेक्ट करेंगे और जितने भी इसके एजेस हैं वो मैं इसको रिमूव कर दूंगी। रफली आपने रिमूव करना है कहीं कहीं से ताकि इसका अफेक्ट कहीं कहीं हो तो वो मजेगा लगे, ठीक है। तो ऐसे आपने रफली इसको कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। इसका जो मैं इसको थोड़ा सा कर देती हूँ, ठीक है, और अरेजर टूल को यूज करती हूँ। इसके बाद इसको कंट्रोल जे से कॉपी ली और इसकी जो ओपेसिटी है इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। इसके बाद इसके एजेस को रिमूव कर देंगे रफली और इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम कर दूंगी। फिर से इसकी कंट्रोल जे से कॉपी ली और इसको कंट्रोल टी से सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके इसके साइज को लार्ज कर लेंगे। इसके
इसके साइज को लार्ज करने के बाद आप इसे एडजस्ट करेंगे। ये मैंने इसे एडजस्ट कर दिया, शिफ्ट प्रेस करके इसके साइज को लार्ज करेंगे और इसके बाद इसे मैं ओके कर दूंगी। मैं कहीं कहीं से इसके एजेस को रिमूव कर दूंगी। इस तरह से आप बहुत ही मजे से मजे के टेक्सचर दे सकते हैं। इसकी मैं कंट्रोल जे से फिर से कॉपी ली और यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया और इसके जो एजेस हैं इसको भी रिमूव कर दूंगी। और इसे ओके कर दिया। इसके बाद ओके करने के बाद मैं फिर से एक इमेज लेकर आती हूँ। अब मैं फ्लावर वाली को इमेज लेकर आऊंगी। इसको पहले आपने सिलेक्टिव पे जाना है, कलर रेंज पे क्लिक करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं रिमूव कर लूंगी। देखिए इसका सारा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया और बैक स्पेस करके आप इसे रिमूव कर देंगे। उसके बाद फिर से आपने सिलेक्टिव पे जाना, उसके बाद मॉडिफाई और टैग यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे ओके कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपने इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है। इसका अभी भी बैकग्राउंड रहता है, इसको आप रिमूव कर लेंगे इरेजर टूल की मदद से। जो वाइट आ रहा है एरिया तो रिमूव करने के बाद आप इसके साइज को लार्ज करेंगे इसके साइज को मैं लार्ज करूंगी शिफ्ट प्रेस करके रोटेट कर दूंगी। यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसके साइज को थोड़ा सा छोटा किया। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट कर दिया और इसे ओके कर दिया। कैपेसिटी को कम कर दिया ना नॉर्मल पे आके ये जो लास्ट वाली ऑप्शन है इस पे क्लिक किया तो ये आ गया ऐसे। इसको थोड़ा सा और ब्लर कर दूंगी मैं इस तरह से। ये देखिए अब बहुत ही प्यारा सा और इसके अंदर मर्ज लग रहा है। अब मैं फिर से एक फ्लावर लेकर आती हूँ, ये वाला। इसका भी ऐसी ले जाऊंगी, इसको भी मैं रिमूव कर दूं। फर्स्ट वाली इमेज को इसको आपने ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है। और जो इसका भी बैकग्राउंड है इसको मैं रिमूव कर दूंगी। इरेज़र टूल की मदद से और इसका जो हम ओपेसिटी है उसे मैं कम कर दूंगी। फिर नॉर्मल पे आने के बाद लास्ट वाला ऑप्शन ये आ गया। अब इसको इसकी जो शिफ्ट प्रेस करके साइज को लार्ज करेंगे। ठीक है, और इसको हम ऐसे कर देंगे यहाँ से ऐसे। और इसे मैं ओके कर दूंगी, इसके थोड़ी सी ओपेसिटी को ज़्यादा कर दिया। इसके बाद इसकी कंट्रोल जे से कॉपी कर लेंगे हम। कंट्रोल जे से कॉपी कर ली, इसके बाद इसको रोटेट कर देंगे। और रोटेट करने के बाद
इसको यहाँ पे ही एडजस्ट करेंगे और जो हमें एक्स्ट्रा पार्ट है इसका नहीं चाहिए उसको मैं रिमूव कर दूंगी इस तरह से। ये देखें फ्रेंड्स, इसकी मैंने यहाँ पे कर ली। अब इसको फिर से कंट्रोल जे से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसकी मैंने अब रिपीट चलानी, इसको कॉपी करके यहाँ पे, फिर से इसको कॉपी करके यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। मतलब कि आप कहीं भी कर सकते हैं और जो आपका एक्स्ट्रा एजेस लग रहे हैं आप उसको रिमूव करते जाएं। इसी तरह से मैं इसकी एक और कॉपी ले लूंगी और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। इसके बाद फिर से इसकी कंट्रोल जैसे कॉपी और यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, एक और कंट्रोल जैसे कॉपी, और इसको जो अपेसिटी है इसकी थोड़ी सी और कम कर दी ताकि ये मर्ज लगे, और इसको भी थोड़ा सा मैं इनको लाइट करती जाती हूँ। और ये हमारा ऑलमोस्ट बैकग्राउंड रेडी है। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपको इसका बॉर्डर, नेकलाइन और पैनल बनाना सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।